नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है जी कमल नेगी और मेरे YouTube चैनल पर आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगा एग्जाम पैटर्न IBPS RRB ऑफिसर स्केल 1 एंड ऑफिस असिस्टेंट एग्जाम 2017-2018 के बारे में। दोस्तों IBPS ने RRB रीजनल रूरल बैंक में वैकेंसी निकाली है जिसमें बंपर भर्ती निकली है बहुत सारी, तो उसमें मैं आप लोगों को आज ऑफिसर स्केल 1 और ऑफिस असिस्टेंट मल्टीपर्पज के एग्जाम पैटर्न के बारे में बताऊंगा। क्योंकि अगर आप लोग ये फॉर्म भर चुके हैं, ये फॉर्म 24 जुलाई से स्टार्ट हो रहा है ऑनलाइन, तो जल्दी से जल्दी इस फॉर्म को भरिए और इसके पेपर के बारे में तैयारी कीजिए। तो दोस्तों ध्यान से सुनिएगा, टोटल नंबर ऑफ पोस्ट है जी 14,192। टोटल ऑफिसर स्केल 1, 2, 3 और ऑफिस असिस्टेंट को मिला करके ऑल इंडिया 14,192 वैकेंसीज निकली है, जिसमें से ऑफिसर स्केल 1 के लिए 4,865 वैकेंसीज हैं और ऑफिस असिस्टेंट मल्टीपर्पज के लिए 7,374 वैकेंसीज हैं। तो दोस्तों आज मैं आप लोगों को ऑफिसर स्केल 1 और ऑफिस असिस्टेंट मल्टीपर्पज के एग्जाम पैटर्न के बारे में बताऊंगा। दोस्तों आप इसके बारे में डिटेल पढ़ सकते हैं वेबसाइट www.ibps.in पर जाकर भी। अब दोस्तों देखिए, ऑफिसर स्केल 1 और ऑफिस असिस्टेंट मल्टीपर्पज दोनों के लिए जो एग्जाम पैटर्न है वो बिल्कुल सेम है, सेम ही टाइप का एग्जाम होगा। तो दोस्तों क्या होगा, देखिए दो ऑनलाइन एग्जाम होंगे, एक प्री के नाम से और एक मेंस के नाम से। तो ऑफिसर स्केल 1 के लिए भी मेरे दो एग्जाम होंगे प्री और मेंस, और ऑफिस असिस्टेंट मल्टीपर्पज के लिए भी मेरे दो एग्जाम होंगे प्री और मेंस, और दोनों का एग्जाम पैटर्न बिल्कुल सेम है। कोई भी कैंडिडेट ये दोनों वैकेंसीज भर सकता है, ऑफिसर स्केल 1 भी भर सकता है और ऑफिस असिस्टेंट मल्टीपर्पज भी भर सकता है। बस उसके लिए ऑफिसर का पेपर का फॉर्म अलग से भरना होगा और उसकी फीस अलग से डिपॉजिट करानी होगी, और ऑफिस असिस्टेंट का फॉर्म भी अलग से भरना होगा और उसकी भी फीस अलग से डिपॉजिट करानी होगी। पहले ऑफिसर स्केल 1 का पेपर होगा और देन उसके बाद ऑफिस असिस्टेंट मल्टी पर्पज का पेपर होगा। देन देखिए सर, फिर बात करते हैं नेक्स्ट कि जो मेरा फर्स्ट एग्जाम है प्रीलिमिनरी एग्जाम, तो उस प्रीलिमिनरी एग्जाम में क्या आएगा। तो दोस्तों देखिए, जो मेरा प्रीलिमिनरी एग्जाम है वो है जी ऑब्जेक्टिव टाइप। तो मेरे टिक मार्क वाले मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे, मुझे क्वेश्चंस दिया होगा और उसके नीचे 4 या 5 ऑप्शनल आंसर होंगे, मुझे क्वेश्चन को सॉल्व करके उस पर टिक लगाना है। फिर उसके बाद बात करें सर, पेपर मेरा ऑनलाइन होगा, कंप्यूटर पे होगा, एक कंप्यूटर पर एक बच्चा बैठकर पेपर देगा। फिर उसके बाद बात करें सर कि ये जो मेरा प्री एग्जाम है, तो उस प्री एग्जाम में मेरा क्या आएगा, कौन कौन से सब्जेक्ट आएंगे और कितने कितने मार्क्स के आएंगे। तो देखिए सर, प्री एग्जाम में मेरा सबसे पहले रीजनिंग आएगा जी। रीजनिंग में 40 क्वेश्चन होंगे, एक नंबर का एक क्वेश्चन होगा, 40 मार्क्स के ही होंगे, 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स, एक नंबर का एक क्वेश्चन। फिर उसके बाद मैथ आएगा जी, मैथ में भी 40 क्वेश्चन आएंगे जो कि 40 मार्क्स ही होंगे, एक नंबर का एक क्वेश्चन होगा। तो ऐसे ही टोटल प्री एग्जाम में रीजनिंग और मैथ दो ही सेक्शन आएंगे और टोटल मेरे 80 क्वेश्चन होंगे और 80 मार्क्स होंगे, तो मेरा 80 नंबर का टोटल ये पेपर होगा। फिर उसके बाद बात करें सर, कंपोजिट टाइम ऑफ 45 मिनट्स, इन 80 क्वेश्चंस को करने के लिए मुझे टोटल 45 मिनट पेपर के अंदर मिलेंगे और उसे मैं अपने हिसाब से मैनेज करूंगा कि मुझे कितना टाइम रीजनिंग पर लगाना है और कितना टाइम मैथ पर लगाना है। देन उसके बाद बात करें सर नेगेटिव मार्किंग की, तो नेगेटिव मार्किंग है जी 0.25 मार्क्स। अगर मैं एक क्वेश्चन को सही करता हूं तो मुझे एक नंबर मिलेगा, और अगर मैं एक क्वेश्चन को गलत कर देता हूं तो मेरा उसका 1/4 मार्क्स कट जाएगा, यानी कि अगर मैं 4 क्वेश्चन गलत करता हूं तो मेरा पूरा एक नंबर कट हो जाएगा। देन उसके बाद बात करें सर, सेशनल कट ऑफ इज देयर एंड टोटल कट ऑफ आल्सो, इसका क्या मतलब है सर, रीजनिंग के सब्जेक्ट की एक अलग से कट ऑफ जाएगी, सेशनल कट ऑफ मुझे वो क्लियर करनी है। देन उसके बाद मैथ की एक अलग से सेशनल कट ऑफ जाएगी, मुझे वो भी क्लियर करनी है, और एक एग्रीगेट में टोटल कट ऑफ जाएगी, मुझे वो भी क्लियर करनी है। तो मुझे रीजनिंग की सेशनल कट ऑफ, मैथ की सेशनल कट ऑफ और एक टोटल वाली कट ऑफ, मतलब मुझे 3 कट ऑफ क्लियर करनी है, तब जाकर के मेरा ये प्री का एग्जाम क्लियर माना जाएगा। देन उसके बाद बात करें सर प्री एग्जाम डेट्स की, ये जो मेरा प्रीलिमिनरी का एग्जाम है इसकी एग्जाम डेट्स क्या क्या है। तो प्री की एग्जाम डेट्स हैं जी ऑफिसर स्केल 1 के लिए वहां पर जो डेट दी गई है टेंटेटिव डेट, वो पहली डेट है जी 9 सितंबर 2017। तो मेरा जो पहला एग्जाम है वो 9 सितंबर 2017 को होगा। देन उसके बाद एक डेट और है जी 10 सितंबर 2017, और उसके बाद एक डेट और दी हुई है 16 सितंबर 2017 इफ रिक्वायर्ड, अगर जरूरत पड़ी अगर ज्यादा कैंडिडेट ने पेपर भरा तो 16 सितंबर को भी एग्जाम होगा, वरना 9 और 10 को होगा। तो अभी आप ये मान करके चलेंगे कि ऑफिसर स्केल 1 के लिए मेरा 9 सितंबर को एग्जाम है। देन उसके बाद बात करें सर ऑफिस असिस्टेंट के लिए कि
कि मेरा ऑफिस असिस्टेंट का एग्जाम कब होगा, तो ऑफिस असिस्टेंट के लिए जो प्री एग्जाम है उसकी जो टेंटेटिव डेट दी गई है वो 17 सितंबर 2017 दी गई है, कि जो पहला पेपर होगा ऑफिस असिस्टेंट मल्टीपर्पज के लिए वो 17 सितंबर 2017 को होगा। उसके बाद एक डेट और है जी 23 सितंबर को भी, और उसके बाद 24 सितंबर इफ रिक्वायर्ड, अगर ज्यादा बच्चे हुए तो 24 सितंबर को भी एग्जाम होगा, वरना 17 और 23 को एग्जाम होगा। तो अभी आप मान करके चलेंगे कि ऑफिसर स्केल 1 का प्री एग्जाम 9 सितंबर को है और ऑफिस असिस्टेंट मल्टीपर्पज के लिए 17 सितंबर को है, और अगर एग्जाम मेरा लेट होता है तो मुझे 2-4 दिन एक्स्ट्रा मिल जाएंगे। तो दोस्तों ये था मेरा प्री एग्जाम, और अगर मेरा ये प्री एग्जाम क्लियर हो जाता है तो फिर मेरा मेन्स एग्जाम होगा। मेंस एग्जाम में देखिए, मेंस एग्जाम भी मेरा क्या है जी, ऑब्जेक्टिव टाइप, ये भी मेरा मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आंसर वाला एग्जाम है, और ये पेपर भी मेरा ऑनलाइन है, कंप्यूटर पे मेरा ये एग्जाम होगा। देन अब देखिए सर कि मेंस एग्जाम में मेरा क्या क्या आएगा, तो मेंस एग्जाम में सर मेरा रीजनिंग का एक सब्जेक्ट आएगा, उसमें आपके 40 क्वेश्चन आएंगे और उसके जो मार्क्स होंगे वो 50 होंगे, मतलब एक क्वेश्चन करने पर आपको 1 नंबर मिलेगा, 1.25। ऐसे ही सर मैथ्स में भी मेरे पास 40 क्वेश्चन आएंगे और उसके लिए भी मेरे पास 50 नंबर होंगे, मैथ में भी मुझे क्वेश्चन को सही करने का 1.25 मार्क्स मिलेगा। देन उसके बाद जनरल अवेयरनेस में भी 40 क्वेश्चन होंगे और 40 मार्क्स होंगे, 1 नंबर का एक क्वेश्चन होगा। देन उसके बाद सर इंग्लिश में 40 क्वेश्चन होंगे, 40 मार्क्स होंगे, 1 नंबर का एक क्वेश्चन। 4A और 4B में हिंदी में 40 क्वेश्चन, 40 मार्क्स। तो एग्जाम में मेरे पास इंग्लिश भी आएगी और हिंदी भी आएगी, तो सर मैं इन दोनों में से कोई एक कर सकता हूँ। अगर मान लीजिए मेरा इंग्लिश मीडियम है तो मैं इंग्लिश कर सकता हूँ, और अगर मेरा हिंदी मीडियम है तो मैं इंग्लिश नहीं करूंगा, मैं हिंदी कर सकता हूँ, और दोनों में से कोई भी एक चीज कर सकते हैं, कैन ऑप्ट आइदर 4A और 4B। फिर उसके बाद फिफ्थ सब्जेक्ट आएगा मेरा जी कंप्यूटर, कंप्यूटर में आपके 40 क्वेश्चन होंगे और उसके जो मार्क्स होंगे वो 20 होंगे, तो कंप्यूटर में आपको एक क्वेश्चन करने का 0.50 मार्क्स मिलेगा। तो ऐसे सर मुझे टोटल मेंस एग्जाम के अंदर 200 क्वेश्चन आएंगे और उसके लिए मेरे पास टोटल 200 मार्क्स होंगे, और मेरा जो कंपोजिट टाइम होगा टोटल टाइम, कंपोजिट टाइम ऑफ 2 आवर्स, टोटल मुझे 2 घंटे का समय दिया जाएगा, वो मुझे अपने हिसाब से मैनेज करना है कि मैं किस सेक्शन में कितना टाइम लगाऊंगा। देन उसके बाद बात करें सर कि ये जो मेरा मेंस एग्जाम है इसकी टेंटेटिव डेट क्या है, तो मेंस एग्जाम में ऑफिसर स्केल 1 के लिए जो मेरी टेंटेटिव डेट दी गई है वो दी गई है जी 5 नवंबर 2017। तो 5 नवंबर 2017 को मेरा ऑफिसर स्केल 1 का एग्जाम होगा मेंस वाला। देन ऐसी ही बात करें सर ऑफिस असिस्टेंट मल्टीपर्पज के लिए जो डेट दी गई है वो दी गई है 12 नवंबर 2017, तो 12 नवंबर 2017 को मेरा ऑफिस असिस्टेंट मल्टीपर्पज के लिए मेंस वाला एग्जाम होगा। देन उसके बाद बात करें सर नेगेटिव मार्किंग की, तो इसमें भी मेरी नेगेटिव मार्किंग है, नेगेटिव मार्किंग मेरी है जी 0.25 मार्क्स, अगर मैं एक क्वेश्चन को गलत करता हूं तो मेरे 0.25 मार्क्स कट जाएंगे। देन उसके बाद बात करें सर फॉर ऑफिस असिस्टेंट मेरिट इन मेंस एग्जाम, देखिए मोदी सरकार ने ग्रुप बी सी और डी के लिए इंटरव्यू बंद कर दिया है, तो अगर मैं ऑफिस असिस्टेंट का पेपर दे रहा हूँ तो अगर मेरा मेंस एग्जाम होगा तो मेंस के बाद मेरा इंटरव्यू नहीं होगा, तो मेरा जो फाइनल सिलेक्शन होगा वो मेरा मेंस एग्जाम में मेरिट के बेस पर होगा। तो मेंस एग्जाम में मैं जितने ज्यादा मार्क्स लेकर के आऊंगा तो उतना मेरा कंफर्म सिलेक्शन होगा। देन उसके बाद बात करें सर कॉमन इंटरव्यू की, कॉमन इंटरव्यू फॉर ऑफिसर स्केल 1 ओनली, ऑफिस असिस्टेंट के लिए कोई इंटरव्यू नहीं है, पर अगर मैं ऑफिसर स्केल 1 के लिए पेपर भर रहा हूं तो मेंस एग्जाम के बाद मेरा मेंस एग्जाम क्लियर हो जाता है तो उसके बाद मेरे को इंटरव्यू की कॉल आएगी और मेरा इंटरव्यू होगा, और टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी का 3 टाइम्स वो इंटरव्यू के लिए बुलाएंगे। देन उसके बाद बात करें सर इंटरव्यू की, तो इंटरव्यू मेरा 100 मार्क्स का होगा और उसमें पासिंग मार्क्स जो होंगे वो जनरल कैटेगरी के लिए 40% होंगे, अगर मैं जनरल कैटेगरी से हूं तो मुझे 100 में से 40 नंबर लेने हैं इंटरव्यू क्लियर करने के लिए, और उसके अलावा अगर मैं एससी एसटी फिजिकल हैंडीकैप या एक्स सर्विसमैन कैटेगरी से हूं तो मुझे 100 में से 35 नंबर मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स चाहिए इंटरव्यू में पास होने के लिए। देन उसके बाद सर बात करें मेरे फाइनल सिलेक्शन की, तो ऑफिसर स्केल 1 के लिए मेरा जो फाइनल सिलेक्शन होगा वो मेंस एग्जाम प्लस इंटरव्यू के बेस पर होगा, उसकी जो वेटेज है वो सर मेंस एग्जाम की है जी 80 और इंटरव्यू की है जी 20, मतलब 200 में से मेरे जितने भी मार्क्स आएंगे उसका 80 उसे 80 में कन्वर्ट किया जाएगा, और इंटरव्यू में 100 में से जितने मार्क्स आएंगे उसे 20 में कन्वर्ट किया जाएगा। ऐसे ही 80 प्लस 20 100 में से मेरी फाइनल कट ऑफ बनेगी। तो मेंस एग्जाम की मेरी वेटेज ज्यादा है तो सर मुझे क्या करना है, मुझे मेंस एग्जाम में ज्यादा से ज्यादा नंबर लेने हैं। अगर मेरा सिर्फ ऑफिस असिस्टेंट का एग्जाम है तो मेंस में ही मेंस पेपर के हिसाब से मेरा सिलेक्शन है तो भी मुझे मैक्सिमम मार्क्स लेने हैं, और अगर मेरा ऑफिसर स्केल 1 का एग्जाम है तो भी 80% वेटेज मेरी मेंस एग्जाम की है तो मुझे मेंस में जितने ज्यादा मैं नंबर लूंगा तो मेरा उतना ही कंफर्म सिलेक्शन होगा। दोस्तों अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, आपको लाल रंग में एक बटन नजर आ रहा होगा सब्सक्राइब का लिखा हुआ, अगर आप उस पर क्लिक करते हैं तो आप मेरे चैनल के साथ
मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और आपको एक नीली घंटी का निशान नजर आ रहा होगा, अगर आप उस पर क्लिक करते हैं तो आप मेरे चैनल के साथ अप टू डेट रहेंगे। जैसे ही ऐसे ही कोई नई वैकेंसी निकलेगी या कोई भी पेपर पास आएगा तो मैं आपको उसके एग्जाम पैटर्न के बारे में बताऊंगा। तो दोस्तों, आपने मुझे बताना है कि ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा, और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है तो आपने लाइक करना है, कमेंट करना है, शेयर करना है और सब्सक्राइब करना है। तो दोस्तों, ये था मेरा एग्जाम पैटर्न IBPS RRB ऑफिसर स्केल 1 एंड ऑफिस असिस्टेंट एग्जाम 2017-2018। तो दोस्तों, जल्दी से जल्दी इस फॉर्म को भरिए और जल्दी से जल्दी इसकी एग्जाम पैटर्न के हिसाब से तैयारी कीजिए। तो दोस्तों, बेस्ट ऑफ लक, बहुत बहुत धन्यवाद।